तो आज हम तैयार करने वाले घर पर बिना किसी पास्ता मशीन के पास्ता, वो भी होममेड एकदम हेल्दी। इसमें आपको मैदा की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही पास्ता बना सकते हैं, वो भी सूजी के। यहाँ पे मिली है 1 कप सूजी। अब इसी में हम पानी डालेंगे। पानी यहाँ पे हमें हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। इसे सॉफ्ट डो हमें रखना है, हार्ड डो हमें इसे नहीं रखना। इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम देखिए, पास्ता बनाने के लिए हमारे पास कोई मशीन तो है नहीं, तो फिर भी हम इस जुगाड़ से बनाएंगे, कद्दूकस से। और अगर आपके पास ये कद्दूकस नहीं है तो आप इस फोक की हेल्प से भी इसे सेव दे सकते हैं। फटाफट से हम इसे सेम साइज के कट कर लेते हैं, छोटे छोटे हमें पीसेस में से कट कर लेना है। आटा को हमें इस तरह लंबे शेप में तैयार कर लेना है। अब हम इसे कद्दूकस को सीधा नहीं उल्टा करना है, उल्टा करना है। अब यहाँ पे रखना है। अब इसे थंब की हेल्प से प्रेस करना है और रोल करते जाना। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। बिना किसी पास्ता मशीन के भी आप घर पे ही कद्दूकस से पास्ता का शेप तैयार कर सकते हैं। तो हम इस तरह आसानी से तैयार कर लेते। अभी फिर से मैं इसे करके देखती हूँ। ये देखिए, अब हम फोक की हेल्प से भी करेंगे, फोक को भी उल्टा करेंगे और इसमें इसी तरह प्रेस करके रोल करते जाएंगे। ये देखिए बड़ा ब्यूटीफुल सा शेप बन के तैयार हो गया। अभी सारे पास्ते हमने तैयार कर लिए हैं। अब फटाफट से हम इसे बॉईल कर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइन ऑयल। हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक। पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। अभी हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता को हमें 80% कुक करना है। इसे हमें सेमी कुक करना है। तो चलिए इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट कुक कर लेते हैं अच्छे से। अभी फ्लेम ऑफ कर दें। अभी इसे हम चेक कर लेते हैं, नाइफ से कट करेंगे। तो ये देखिए अभी कच्चा आया था, इसे हमने 80% ही कुक किया था। अब सारे पास्ता को हम स्ट्रेन कर लेते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। अब हम इसमें से स्टॉक 1 कप निकाल लेते हैं, इसे आगे हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डाले 4 चम्मच रिफाइन ऑयल। हाई फ्लेम पे हमें वेजिटेबल्स कुक करने हैं। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हरा मिर्च, अदरक, इसे सौते कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ही, आपके जो पसंद है वो वेजिटेबल यूज़ करें। अभी इसमें हम डालेंगे प्याज, इसे हम 1 मिनट सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम, कैरेट, वेजिटेबल को हमें 2 मिनट सौते कर लेना है। अब हम लास्ट में डालेंगे टमाटर। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मसाले में हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ पास्ता मसाला। 1 पैकेट मैंने यहाँ पे पूरा इस्तेमाल कर लिया है पास्ता का। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच स्टॉक जो हमने स्टोर किया था पहले। मसाले को हमें 1 मिनट भून लेना है अच्छे से। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। इसे हमें 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। पास्ते को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पास्ता में। अब हम डालेंगे इसमें स्टॉक। 1 कप मैंने यहाँ पे स्टॉक इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को ढककर 5 मिनट कुक करेंगे। अच्छे से हमें इसे कुक करना है। 5 मिनट हो गए, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगैनो, फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। तो लीजिए, बनके तैयार हो गई होममेड टेस्टी सुपर डिलीशियस पास्ता। तो फटाफट से इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये दिखने में इतनी टेम्पटिंग और जूसी लग रही है। इसका शेप बड़ा ही यूनिक है, इसलिए ये बहुत ही जूसी लग रही है देखने में। तो इसे मैं टेस्ट कर लेती हूँ। अब इसके वेजिटेबल्स भी काफ़ी इसमें अच्छे लग रहे हैं, सब टेस्ट कर लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर नहीं अच्छी लगी है तो फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही मेहनत लगता है हमें हर एक रेसिपी बनाने में। मैं तो चलिए अपना पास्ता एंजॉय करने हैं।